हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ एक सुंदर नज़ारे के साथ, जिसे आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको अभी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ला के खड़ी की है ना, कि जहाँ पर बड़ी दुविधा है कि क्या करें क्या नहीं करें, मेरे ही साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। आपके भी जहन में ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। फिर भी मैं कहूँगी कि जब भी कभी हार मानने को दिल कहे ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अभी भी समय है, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। आज मुझे यहाँ पे आके इतना सुकून महसूस हुआ ना कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। कभी मेरा भी मन करता था कि मैं से प्रकृति के मतलब गोद में जाऊँ और महसूस करूँ इन सब चीज़ों को, सुकून महसूस करूँ, लेकिन ज़िंदगी ने सब कुछ छीन लिया था। आज जब सफलता है हाथ में, मेरी जॉब है, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। और समय निकाल के मैं सुबह ही सुबह पहुंच गई अपने गोरखपुर के नौका विहार पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और नई नई चीज़ें बनी हुई हैं, जिससे मतलब सुकून मिला ना, एक तसल्ली मिली, ये लगा कि चलो यार ज़िंदगी में सुकून आया। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी ना, देखिए दुनिया को करके दिखाइए और अपने लिए करिए कि आप कौन हैं। अपनी ताकत को पहचानिए और दुनिया को ये बताइए ना कि आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। ये जो सूरज आप देख रहे हैं, चमकता हुआ सूरज, कहा जाता है ना कि सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में कभी भी लेकिन न लगाइएगा इन सब चीज़ के लिए कि शायद मैंने ये किया होता, शायद मैं वो किया होता तो आज मैं सफल होता। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है वो मैटर नहीं रखता है। वो हमेशा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ सही हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को सही करने का प्रयास करिए उसी परेशानियों के बीच। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, इसकी भी शान अलग है। इसी तरह से आप भी अपना सिर ऊंचा करके खड़े होइए और शान से लहराइए और अपनी मेहनत से इतने ऊँचे उठ जाइए ना इस तिरंगे की तरह, कि जैसे इसे देखने के लिए सिर ऊँचा करना पड़ता है, आपको देखने के लिए भी सिर ऊँचा करना पड़े।